जय हिंद, जेडार एडुकेटर में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने टाइप वन में फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, जिसमें दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना सीख चुके हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे मूल बिंदु से कोई बिंदु दिया रहेगा, उस बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे हम लोग मूल बिंदु से कोई बिंदु अगर दिया रहे, उसका निशान दिया हुआ है, तो हम वहाँ से दूरी कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु हमको दिया हुआ है और इस बिंदु से एक बिंदु हमारे पास मान लेते हैं, या इसको ओ मान लेते हैं मूल बिंदु को, इसको पी मान लेते हैं। और इस पी तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0.0 होता है, मतलब यहाँ भुज भी 0 और कोटि भी 0 होता है, यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0 होता है। जबकि हमको यहाँ दिए हुआ है एक निर्देशांक दिया हुआ है पी बिंदु का 36.15, यानी यहाँ एक्स का वैल्यू जो है भुज दिया हुआ है हमको 36 दिया हुआ है, जबकि कोटि हमको 15 दिया हुआ है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम लोग सूत्र पहले से जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ओपी निकाल लेते हैं, दूरी निकालना है ओ और पी के बीच की दूरी। निशान हमको ओ का दिया और यानी कि ओ हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु का हम लोग निशान जानते हैं 0.0 होता है, और पी का हमको निशान दिया हुआ है तो दूरी ज्ञात करना है। इस तरह से हम लोग कई सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ये अभी हम एक क्वेश्चन को सैंपल के रूप में देख रहे हैं। इस पर आधारित जब भी मूल बिंदु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप कैसे बना पाइएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए। तो इसके आधार पर और भी क्वेश्चन जो मूल बिंदु से संबंधित क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे ओपी हमको निकालना है, यानी कि दूरी निकालना है। मूल बिंदु से जो दूरी होती है उसके लिए सूत्र जो होता है वह एक्स स्क्वायर जोर वाई स्क्वायर होता है। अब यहां हम देखेंगे एक्स जो हमारा है वह 36 है, 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और जोर वाई जो होगा वो हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 36 का स्क्वायर को, अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 36 का स्क्वायर जो होता है वह 1296 होता है। सॉल्व करके देख सकते हैं हम लोग 1296 होता है, और 15 का स्क्वायर जो होता है वह 225 होता है। यानी कि यदि हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296, और जो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है। अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, 6 5 11 हो गया, 9 2 11 12 के दो हाथ में एक हो गया, 2 2 4 5 और ये 1521 हो गया। 1521 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको वर्गमूल जो आएगा वो 39 आएगा। और इस तरह से हम लोग ये ओपी के बीच की दूरी आ गई। तो मूल बिंदु से मूल बिंदु से 36.15 निर्देशांक बिंदु का दिया हुआ था, मूल बिंदु से 36.15 का दूरी बराबर हो गया 39। इस तरह से हम लोग यहाँ निकालना सीख गए कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक हमको दिए हुआ है तो हम लोग मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे आपको इसका डिटेल्स भी समझ सकते हैं कि यहाँ ओपी जो है, हम ये दूरी फॉर्मूला जो लगाते हैं ओपी इज इक्वल टू ऐसे भी बना सकते हैं, जो दूरी सूत्र है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए अगर आपको पहले से पता है इसलिए हम लोग इसको लगा दिए। अगर चाहे तो दूरी सूत्र को तोड़ने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद भी यही आता है, तो हम देखेंगे दूरी सूत्र जो है हम लोग के पास में उसी पर भी बना सकते हैं, उसी के आधार पर यहाँ निकला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर जोर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि x1 हमारा है 0 और माइनस हो गया x2 होल स्क्वायर, जो y1 जो है हमारे पास वो है 0 और ये हो गया y2। और यदि हम देखेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस x2 का होल स्क्वायर जो माइनस y2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तोड़िएगा तो आ जाएगा x2 का होल स्क्वायर जो y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब आपका वही वैल्यू यहाँ x का जो था x2 आपका 36 है,
36 प्लस y2 कितना है 15, इसका स्क्वायर करेंगे। आप देखेंगे 36 का स्क्वायर करने पर, जैसा कि हमने बताया कि 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और इस 15 करेंगे सॉल्व करेंगे उसको जोड़ेंगे तो 1521 आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आपका आ जाएगा 39। इस तरह से हमारा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना हम लोगों ने सीख लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे चीज़ों को सीखने को मिला होगा, और आप लोग इस तरह से इस पर आधारित क्वेश्चन को और भी बना करके आप अपने प्रैक्टिस को कर करके अपने दूरी सूत्र का प्रयोग करके उसके बाद मूल बिंदु से दूरी निकालने के प्रश्न को आप हल करके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये दो नंबर के प्रश्नों में ये पूछा जाता है, दो नंबर के जब भी क्वेश्चन आता है उन सभी क्वेश्चनों के लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। थैंक यू।